भले ही निकी के कोविड पॉजिटिव होने की खबर ने सभी को थोड़ा सा धक्का दे दिया हो, थोड़ा सा एक टेंशन का माहौल बन गया हो, लेकिन निकी तंबोली का नया गाना डेफिनेटली आपको पावरी के मोड में डालने वाला है। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल निकी तंबोली का गाना विद मीत ब्रदर्स इज गोना रिलीज वेरी सून। जी हाँ, यही खबर है कि बर्थडे पार्टी करके उनका एक गाना आ रहा है जिसमें मीत ब्रोस का होने वाला है एक अच्छा खासा धांसू सा रैप। ये वही गाना है जिसकी शूटिंग के लिए वो निकी तंबोली जो है बहुत बिजी थी मुदस्सर खान के साथ। उनके क्लिप सामने आ रहे थे जिस तरीके से मुदस्सर जो है इस पूरे गाने को कोरियोग्राफ कर रहे थे, तो वो सारी डिटेल्स जो है इसी गाने की थी, क्योंकि मुदस्सर खान का भी नाम इस गाने में शामिल है। ही हैज कोरियोग्राफ द होल सॉन्ग और निकी तंबोली का ये डेब्यू सॉन्ग होने वाला है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है निकी तंबोली के लिए। दिस इज अ बिग बिग अनाउंसमेंट फॉर हर, क्योंकि बिग बॉस सीजन 14 के बाद जहाँ उनका ये पहला प्रोजेक्ट है, तो उसके साथ ही उनका डेब्यू म्यूजिक वीडियो है इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। इसके पहले निकी तंबोली जो है साउथ मूवीज में नजर आई थी, कंचना में नजर आई थी, लेकिन उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास काम नहीं किया था। बिग बॉस सीजन 14 के बाद मिल रहे हैं उन्हें खूब सारे ब्रेक, और ये जो गाना है उनका म्यूजिक वीडियो जो है वो उनका डेब्यू प्रोजेक्ट होने वाला है एज अ म्यूजिक वीडियो। तो वही निकी तंबोली इज रियली वेरी एक्साइटेड, उनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लगातार निकी तंबोली के इस वीडियो पोस्टर को जो है रिलीज कर शेयर कर रहे हैं और बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड निकी तंबोली क्वारंटीन में ही थोड़ा सा उनको एंजॉयमेंट का मौका मिल गया है, थोड़ा सा चीयर अप करने का मौका मिल गया है, बिकॉज फाइनली शी इज गोना सी द मून द सन एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू करियर। क्या कहना चाहेंगे निकी तंबोली के इस गाने को लेकर, जल्दी से आइए कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाएंगे।